हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये बिलीव करना अभी भी मुश्किल है कि अब हमें एमसीयू में रॉबर्ट सर एस टोनी स्टार्क नहीं देखने को मिलेंगे। टोनी के जाने के बाद अब उनकी कुर्सी पे कौन बैठेगा? ये बात तो श्योर है कि आयरन मैन जैसा ह्यूमर किसी के पास नहीं है, और अगर उसको कोई नियरली मैच कर सकता है तो वो है स्पाइडरमैन। स्पाइडी ने खुद ही कहा है, द वर्ल्ड नीड्स न्यू आयरन मैन। वर्ल्ड नीड्स नेक्स्ट आयरन मैन, मतलब कि वो डायरेक्टली खुद नहीं कह रहा है कि अगला आयरन मैन वही हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड भी हमें ही करना है कि क्या पीटर अगला आयरन मैन हो सकता है। चाहे सिविल वॉर की स्पाइडी की बात कर लो या होम कमिंग की स्पाइडी की, उसने अभी तक अपना कोई भी टेक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। अभी तक वो सिर्फ टोनी के टेक पे ही रिलाय कर रहा था, लेकिन जब से फार फ्रॉम होम का ट्रेलर आया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि अब ये फुल्ली अपने आइडिया के बेस पे अपना सूट बना रहा है, लेकिन टोनी के पैसों पे। कॉमिक्स में ये मेंशन किया गया है कि पीटर ने अपने नाम से एक अलग कंपनी खोली है और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने ही रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन ये पार्ट अभी भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये अभी आएगा भी नहीं। अगर नया आयरन मैन की प्रिडिक्शन की बात करें तो 2016 की मार्वल कॉमिक्स में नया आयरन मैन इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि रीरी विलियम्स है। ये कैरेक्टर 15 साल की लड़की है जो MIT स्टूडेंट है, जिसने खुद की टैलेंट की मदद से अपना खुद का आयरन सूट बनाया है टोनी स्टार्क के आयरन सूट से इंस्पायर्ड होके। लेकिन अभी की बात करें तो एमसीयू ने रीरी विलियम्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है और सारा फोकस स्पाइडरमैन पे किया है कि वो अगला टोनी स्टार्क बन सकता है। काफी लोगों ने इससे उम्मीद लगाई है क्योंकि वो टोनी स्टार्क की तरह मजाकिया है, मस्ती से काम करता है और आपके मुंह पे बेइज्जती करता है। देखा जाए तो इस समय गलती आपकी है। क्या कहा तुमने अभी? आयरन सूट पहनने से कोई टोनी स्टार्क नहीं बन जाता। एमसीयू में कोई एक कैरेक्टर बताएं कि जो टोनी स्टार्क की जगह ले सके, और पीटर पार्कर से अच्छा कोई ऑप्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक फैन थ्योरी भी सामने आई थी कि टोनी स्टार्क पीटर का जार्विस बनके वापस आ सकता है। एंड गेम में दिखाया गया है कि टोनी लास्ट में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से अपने फैमिली से एक आखिरी बार बात करता है, लेकिन ये उसका लास्ट टाइम नहीं हो सकता। ये बात तो हो गई फैन थ्योरी की। जब से फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो आया है, एमसीयू में मल्टीवर्स के दरवाजे खुल से गए हैं, लेकिन ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी इसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही है। जहां तक मुझको याद है कि ये एक टाइम पे हरामी भी हुआ करता था। कैप्टन के जाने के बाद एवेंजर्स का लीडर फैल्कन नजर आ रहा है, और लीडरशिप की दौड़ में पीटर लीडर बनने के लायक है ही नहीं। दुनिया को नया कैप्टन तो मिल गया, लेकिन अभी लफड़ा होगा, एक पिक्चर आएगी इनके लफड़े के ऊपर। लेकिन आयरन मैन का क्या होगा? टोनी स्टार्क को स्टार बनाया रॉबर्ट सर की मेहनत ने, और अगर स्पाइडर को कोई स्टार बना सकता है वो आप हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि पीटर पार्कर को आप एज अ न्यू टोनी स्टार्क देखना पसंद करेंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, हॉलीवुड ऐसे ही काम करता है। अगर पिक्चर अच्छी चली तो फिर और बनाएंगे। अगर हम वॉर मशीन की बात करें तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है, वो टोनी स्टार्क से बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि अगला टोनी स्टार्क कौन हो सकता है तो कमेंट्स में उसके बारे में मेंशन करिए। और अगर आपको इस वीडियो में देखकर कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मारिए इस वीडियो को, इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब मारिए इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।